एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन फाइन. सो स्टार्ट, आवर सब्जेक्ट इज़ हिंदी, चैप्टर नंबर 19. हिंदी का चैप्टर नंबर 19 आज रीड करेंगे. चैप्टर का नेम है आम. आम मुझे पता है सबको पसंद होंगे. आई नो, मुझे पता है कि सबको आम बहुत पसंद है और सबको सबके बड़े फेवरेट है आम. ओके, अब आम बोल रहा है, देखिए, मैं हूँ एक छोटा सा आम, पर आता हूँ कई काम. कच्चा हो तो बनता अचार, खट्टा मीठा बड़े मज़ेदार. है ना, जो आम है बोल रहा, मैं छोटा सा हूँ पर बहुत काम आता हूँ. कच्चा हूँ तो अचार बन जाता हूँ, जो खट्टा मीठा बड़ा मज़ेदार. है ना, अचार सबको बड़ा अच्छा, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है ना. पक्कर हो जाता रसीला, रंग होता मेरा हरा और पीला. फलों का राजा, फलों का मेरा जा कहलाता, मुझको खाकर मज़ा है आता. है ना, पक्कर वो रसीला हो जाता है, यम्मी यम्मी सा, हरा पीला ऐसे रंग हो जाते हैं उसके. फलों का राजा, पता है आप सभी को, आम को फलों का राजा बोलते हैं. मुझे खाकर मज़ा आ जाता, मज़ा है आता है ना. सबको बड़ा यम्मी यम्मी सा लगता है ना. हम जूस भी पीते हैं ना आम का, मैंगो जूस वैसा. छोटे बड़े रूप में आता, हर घर में लाया जाता. राष्ट्रीय फल हूँ मैं कहलाता, सबके मन को हूँ मैं भाता. है ना, बड़े बड़े, छोटे बड़े रूप, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, अलग अलग साइज़ में आ जाता है. घर में, हर घर में लाया जाता, हर घर में आम खाया जाता है. राष्ट्रीय फल में कहलाता हूँ, पता है हमारा नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल आम है और सबके मन को भाता है, कि सबके बहुत अच्छा लगता है. सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए. भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, एप्पल, सेम फल, आम या केला, कौन है आम? कौन सा आम अचार बनाने के काम आता है? कच्चा आम या पक्का आम? कच्चा आम पे बनाते हैं ना अचार, तो कच्चा आम अचार बनाने के काम आता है. ओके, अब यहाँ इसके साथ एक अभ्यास, एक वर्कशीट दी हुई है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो भी आप लोग फिल कर लेना अपनी बुक में. सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए. है ना, वहीं एक पेड़ पर बैठा था. कौन बैठा था पेड़ पर? तोता. हमें सभी खानी चाहिए सब्जियाँ. फलों का राजा कहलाता है कौन? फलों का राजा कहलाता है आम. घर में बना भोजन होता है, कैसा होता है घर में बना भोजन? साफ. बोलिए और सही शब्द चुनकर टिक लगाइए. सब्जी है ना, सब्जी और सब्जी, सही जो सब्जी लिखा हुआ उसके ऊपर टिक लगाइए. मुँह या मुँह, मुँह. कुआ, कुआ, कुआ. रूप या रूप, रूप. है ना, अब नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है. मैं हूँ एक छोटा सा आम, पर आता हूँ कई काम. कच्चा हूँ तो बनता अचार, खट्टा मीठा बड़ा मज़ेदार. ओके, अब नीचे जो प्रश्न उत्तर है उसको पढ़िए और उसके आंसर आपको देना है. ओके, सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, और जो मैंने आपको अभ्यास पत्र कराया वो भी आप अपनी बुक में राइट कर लीजिएगा. ओके, नाउ बाय.